अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो ख्वाब की ताबीर मैं लाया हूँ वो है लटकाने के हवाले से, किसी को लटका हुआ देखने के हवाले से या बादशाह ने आपको लटका दिया के हवाले से ख्वाब की ताबीर है। तो आज ख्वाब की ताबीर की तरफ चलते हैं। तो हज़रत दानियाल हज़रत ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि बादशाह ने उसको लटकाने का हुक्म दिया है तो दलील है कि बादशाह से हसमत और मरतबे और बुजुर्गी पाएगा, यानी वो नेकोकारों में होगा और बादशाह उसको बहुत ज़्यादा नवाजेगा और फिर एंड में उसमें खलल आ जाएगा, मतलब फिर आखिरकार खलल पड़ेगा कि कुछ अरसे के लिए उसकी हसमत बुजुर्गी उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। और अगर देखे कि उसको लटके हुए लोग देखते हैं तो उस अमर की, मतलब उसको लटके हुए लोग दिखते हैं तो अमर है कि उस कौम पर हुकूमत और सरदारी पाएगा। और अगर देखे कि लोग जमा हैं और उसको लटका दिया है तो दलील है कि उस कौम का सरदार और फरमा रवा होगा। और अगर देखे किसी नामालूम बूढ़े ने उसको लटका दिया है और लोग उसके नज़ारे में हैं तो दलील है कि मखलूक पर हाकिम होगा। ख़ासकर मतलब समझ, अगर लटके लटकाने के हवाले से किसी किस्म का भी ख्वाब देखे तो ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है। तो इससे बुजुर्गी और अपने इलाके में रोब और अपने लोगों पर मखलूक पर हाकिम बनेगा और सरदारी मिलेगी, बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है ना। खासकर अपनों को भी नज़ारे में शामिल देखे, अगर ख्वाब में अपनों को भी देखता है और अगर देखे कि अपने आप को लटका दिया है और किसी ने उसका नज़ारा नहीं किया बल्कि अपने आप को खुद ही लटका हुआ देखा है तो इस अमर की दलील है कि अपनों पर हुकूमत करना चाहता है लेकिन उसका कोई शख्स मुती ना होगा। समझ आ रही है कि अगर वो बंदा खुद अगर अपने आप को लटका हुआ देखता है और किसी बंदे ने उसको नहीं देखा, ख्वाब में उसने देखा है कि कोई बंदा उसको नहीं देख रहा था, वो खुद लटका हुआ खुद को देख रहा था, तो ये उसके लिए मुसीबत की दलील है। मतलब वो हुकूमत तो करना चाहता है लेकिन कोई शख्स उसकी कोई बात भी नहीं मानेगा, कोई भी उसका मुती नहीं होगा। तो अगर वो ख़ुद को देखे कि अपने भी लटका हुआ उसको देख रहे हैं, दूसरे भी देख रहे हैं, तो वो हुकूमत मिलने की तरफ इशारा है। अगर अपने देख रहे हैं तो अपनों पर हुकूमत करने का भी इशारा है, और अगर सारे देख रहे हैं मतलब तो फिर पूरी मखलूक पर उसको हाकिम बनाने का या हुकूमत मिलने का की तरफ दलील है, ठीक है ना। अगर बादशाह लटकाए तो हशमत और बुजुर्गी मिलने की दलील है, अगर आवाम देखे तो वो आवाम के ऊपर हुकूमत करने की दलील है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारा ख्वाब है, बहुत ही अच्छा ख्वाब है। जिस शख्स को भी ये ख्वाब आता है लटके लटकाने से तो ये बहुत ही अच्छा, और इसकी ताबीर भी बहुत अच्छी ली गई है। जैसे कि हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर ख्वाब में देखे कि उसको लोगों ने लटकाया है और रस्सी कट गई है और वो गिर पड़ा है तो बुजुर्गी और इज़्ज़त और मर्तबे से गिरने की दलील है। तो अगर लटके हुए को किसी ने रस्सी से काट दिया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बुरी बात है और आप अपनी इज़्ज़त वक़ार और मर्तबे से गिरने वाले हैं। तो बाकी लटकाने वाले ख्वाब के हवाले से बहुत अच्छी ताबीर है। अगर किसी ने रस्सी वगैरह पे लटका हुआ देखे और ख़ुद को या किसी ने उसको काट दी है तो ये अपनी इज़्ज़त बुजुर्गी और वक़ार से घिरने की दलील की तरफ इशारा है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, ऐसे मज़ीद अच्छे ख्वाबों की ताबीर और सच्चे ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।